अलगू मैं हूँ ठेकेदार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ठेकेदार दोस्तों आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है आपने हमारी वीडियो के साथ रहना है अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बेकन और क्लिक करेंगे तमाम आने वाली वीडियो ब आसानी आपको मिल सके दोस्तों वीडियो आज आपने ज़रूर देखनी है क्योंकि आज की वीडियो बड़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम एक न्यू बाथरूम का रिव्यू लेकर आएँ बाथरूम हम बनाने लगे हैं आप देखिए कितनी सफाई से हम फिनिशिंग से ये बाथरूम बनाएँगे क्योंकि हम बिल्डिंग लेन की वीडियो अपलोड करते रहते हैं काफ़ी अर्से बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं पंजाब गया हुआ था मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए चैनल भी मेरा बैग जा रहा आपने ये वीडियो पूरी देखनी है ज़रूर देखनी है कि किसी की सपोर्ट हो सके जनाब जैसे कि आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे ये बाथरूम नज़र आपको आ रहा है और हमने ये एक चौकट लगाई है ये, ये ख़राब थी ये भी हमने बदल दिए आप हमारी वीडियो के साथ रहे हैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ किस तरह हमने ये काम किया जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमने इसकी चौकट चेंज कर दी है आप देखें कितनी सफाई से हमने इसकी चौकट चेंज की क्योंकि वो थोड़ी सी गल गई थी अगर चौकट गल जाए तो आप न्यू बाथरूम बना रहे हों तो आप उसको चेंज कर दें क्योंकि जब आप टाइल लगा देते हैं तो उसके बाद फिर वो चौकट अगर ख़राब हो जाए तो उस जो हमने टाइल लगाए हुए होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं अगर आप न्यू बाथरूम बना रहे हैं तो आप उसकी चौकट अगर ख़राब हो रही है थोड़ी सी भी तो उसको चेंज कर दें आप देखिए हमने टाइल्स लगाई है कितनी सफाई से लगाई है इसकी एक निश बनाई है यहाँ बेसन आएगा बेसन के पास हमने एक निश बना दी है क्योंकि छोटा बाथरूम है तो यहाँ बेसन क्रास लगेगा वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगा किस तरह आपने इसको और सनेटर सब चीज़ें इसमें लगाई हैं वो भी आपको मैं दिखाता हूँ जैसे कि आप ये देख रहे हैं माशाला शावर एरिए में हमने टाइल्स थोड़ी मोटिव की दे दी है डिजाइनिंग डाल दी है कि ये छोटा बाथरूम है तो खूबसूरत लगे बाकी हमने सैंपल सा बना दिया है यानी कि हाफ़ वाइट टायल लगाइए कितनी सफाई से माशाल्लाह से फिनिशिंग से हमने लगाई है अगर किसी मेरे भाई को हमारी सर्विस चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है आप हमसे बासानी कांटेक्ट कर सकते हैं और इन हम आपको इससे भी अच्छा और मुनासिब रेट में काम करके देंगे अब इसका मैं फ्रेश लगाने लगा हूँ आप देखिए इसके फर्श का मैंने फ़र्श बिल्कुल सीधा कर दिया है ढाल इसका कोने में दे दिया है अब इसमें मैं टाइल लगाता हूँ आपको दिखाऊंगा कि किस तरह हम ये टाइल्स लगा रहे हैं अगर आप कोई बाथरूम या कोई काम घर का कराने लगे तो आपको पता होना चाहिए कि काम सही करने वाला और ख़राब करने वाला कैसा है क्योंकि आप इतनी महंगा जब काम करा रहे होते हैं तो अगर कारीगर आपको सही ना मिले तो आपके सारे सपनों पे पानी फिर जाता है अब आप जैसे देख रहे हैं ये हमारा तकरीबन काफ़ी हद हाँ तक यानी कि अब ये कंप्लीट हो गया है इसकी फिलिंग भी हमने कर दी है अब ये ओके अब हम इसमें लगाएंगे स्नेटरी वो भी मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करके दिखाता हूँ आपने हमारी वीडियो के साथ रहना अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बलेक्न को क्लिक कर देंगे तमाम आने वाली वीडियो बसानी आपको मिल सके आप देखें हमने पूरा काम कितनी सफाई से काम किया है इतना अच्छा बाथरूम बन गया है हालांकि ये छोटा बाथरूम था और हमने इसको इतनी फिनिशिंग से इसकी टाइल्स लगाई है कि ये माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है अब हमने इसको कंप्लीट कर दिया है क्रास बेसन जो मैंने आपको कहा था क्रास बेसन भी इसमें लगा दिया है पूरा इसको प्रॉपर कर दिया कमोड भी इसमें लगा दिया इसमें नल भी लगा दिए सब कुछ इसमें कर दिया अब ये माशाल्लाह से हमारा तैयार है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा अगर किसी मेरे भाई को हमारी सर्विस चाहिए तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा होता है आप हमसे बसानी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कोशिश करूँगा जो अगली वीडियो है वो इससे अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा कि डेली की वीडियो अपलोड करूँ क्योंकि डेली की अब वीडियो अपलोड हो नहीं सकती क्योंकि हमारा काम बहुत मुश्किल है उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगली वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज़